Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is while loop and do while loop in C. So last lecture में हमने पढ़ा था loop in C के बारे में. So basically एक छोटा सा वापस से मैं एक basic intro इसका दे दूं. तो loop क्या होता है कि जब आप किसी भी statement को repeatedly print कराना चाहते हैं या कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आप बार बार लिखवाना चाह रहे हो या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिसको आप मल्टीपल टाइम्स क्या करते हो उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तब हम लूप का यूज करते हैं. क्योंकि अगर सपोज आपको कोई भी स्टेटमेंट 10 टाइम्स प्रिंट करानी है तो पहले अगर हम जैसे प्रोग्राम लिख रहे थे उसमें क्या होगा कि आप कितनी बार आपको प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा उसके लिए 10 टाइम्स राइट. बट 10 टाइम्स तो आप प्रिंट एफ लिख सकते हो बट कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें आपको 100 टाइम्स कोई स्टेटमेंट को बार बार से एग्जीक्यूट कराना है तो वहां पे आप 100 टाइम्स तो नहीं लिखने वाले क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा राइट. तो सी में हमारे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनसे हम उसको थोड़ा इजी कर सकते हैं. उसी में हमारा आता है लूप. सो इससे क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइम्स किसी भी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. ओके सो इसका ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं. अगर कोई भी कंडीशन क्या है आपकी ट्रू होती है कोई भी कंडीशन सपोज आपने फर्स्ट कंडीशन आपने लिया अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है देन वो जो आपका कंडीशन कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा मतलब उस लूप में वो एंटर करके उसको एग्जीक्यूट करते रहेगा. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एग्जिट कर जाएगा राइट. सो आपका जो प्रोग्राम है वो कितनी बार रन होगी आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी ये पूरा पूरा डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. सो हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में फॉर लूप के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था हमारे पास लूप में 3 टाइप्स होते हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल. सो हमारे पास इसमें क्या है एंट्री कंट्रोल में हमारे पास फॉर लूप है एंड वाइल लूप है और एग्जिट कंट्रोल में हमारे पास डू वाइल है. सो एंट्री कंट्रोल्ड मतलब जो स्टार्टिंग में आपका जो लूप है वो स्टार्ट होने के टाइम पर कंडीशंस दे रहे हैं और एग्जिट मतलब कि एग्जिट जब आपका प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है तब वहां पर कंडीशन यूज करेंगे हम. सो फॉर लूप का हमने देखा था कि जब हमें एग्जीक्यूट कराने होते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स ओके तो हमें उसके लिए कुछ एब्रिविएटेड कोड जो है उनको मैनेज करना पड़ता है लूप वेरिएबल के साथ में. अब हमें पढ़ना है व्हाइल एंड डू व्हाइल. तो व्हाइल में क्या होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं या तो फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है उनको व्हाइल कंडीशन के साथ हम क्या करते हैं अगर व्हाइल कंडीशन हमारी ट्रू होती है देन हम उसको रन कराते हैं वो एग्जीक्यूट होता है और जहां हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो एग्जिट हो जाएगा. तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है पहले अपनी जो व्हाइल कंडीशन है उसको चेक करता है. अब व्हाइल लूप को हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाइल लूप है क्या. उससे पहले मैं थोड़ा सा डू व्हाइल का भी इंट्रो दूं कि डू व्हाइल क्या होता है ये व्हाइल की ही तरह है ये वर्क व्हाइल मतलब व्हाइल की तरह होता है इसका बट एक एक्सेप्शन यहाँ पर आता है जैसे कि व्हाइल हमारा एंट्री कंट्रोल्ड है और ये एग्जिट कंट्रोल्ड है तो हमारी जो व्हाइल कंडीशन लगती है वो व्हाइल लूप में स्टार्टिंग में लगती है और डू व्हाइल लूप में वो लास्ट में लगेगी इन द एंड ऑफ लूप. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाइल लूप. व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप मतलब कि पहले से ही हम लूप को टेस्ट कर लेते हैं. A while loop allow part of code to be executed multiple times. ये क्या allow करता है कि जो आपका कोड है या स्टेटमेंट है उसको हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा सकते हैं डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे इधर इट इज ट्रू और अ फॉल्स. ओके इट कैन व्यू एज रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट की तरह ये होता है. सो इसका सिंटेक्स देखते हैं. सिंटेक्स क्या है वाइल आपका कीवर्ड है देन कंडीशन जो भी हमारी कंडीशन यहाँ पर लगेगी देन उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होगी देन स्टेटमेंट हम इस वाले एरिया में एंटर कर जाएंगे अगर कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे. ओके इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं एक बार. हमने पहले एक टेस्ट कंडीशन दिया अब अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो हम व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे मतलब ये वाला जो पोर्शन है स्टेटमेंट वाला हम इस पार्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे. अब ये
इसको एग्जीक्यूट कराते रहेगा, कब तक? जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू होती रहेगी, जहां कंडीशन फॉल्स होगी ये एग्जिट कर जाएगा। ये कुछ इस तरह वर्क करेगा कि यहां पे आपने सपोज कोई कंडीशन लगाई है, आई इज लेस देन 5, तो अगर आपका आई लेस देन 5 होगा तो लूप के अंदर एंटर आ जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। बट इन केस आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, वो एग्जिट कर जाएगा। ओके नाउ ये वर्क कैसे करता है? व्हाइल लूप इवेलुएट द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो हमारा व्हाइल लूप है उसकी जो टेस्ट कंडीशन होती है वो यहाँ पे, टेस्ट हम कंडीशन बोल सकते हैं, उसको एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मतलब कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। देन इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो व्हाइल लूप की जो बॉडी है उसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा। देन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड अगेन। सो अब ये क्या होगा, जब लूप के अंदर एंटर कर जाएगा तो वो बार बार टेस्ट कंडीशन को, एक्सप्रेशन को चेक करता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका जो इवेल्युएटेड है वो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स ना हो जाए। अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। इफ आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या होगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ये एग्जिट कर जाएगा, राइट। देन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। हमारी प्रॉपर्टीज ये हैं कि जो हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन है इज यूज टू चेक द कंडीशन। हम यहाँ पर जो कंडीशन लगाते हैं वो हमारी किस लिए होती है, कंडीशन एक्सप्रेशन जो हम यूज करते हैं वो कंडीशन को चेक करने के लिए होती है। द स्टेटमेंट डिफाइन इन साइड द लूप विल रिपीटेडली एग्जीक्यूट अंटिल कंडीशन फेल्स। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो तब तक रिपीट होगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती या फेल नहीं होती। ओके नाउ इन व्हाइल लूप कंडीशन एक्सप्रेशन इज कंपल्सरी। जो हमारा कंडीशन एक्सप्रेशन है वो कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी इसलिए क्योंकि उसी के बेसिस पे हम अपना जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे। अगर हमारी वैल्यूज सॉरी हमारी कंडीशन ट्रू होगी देन वो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो वो लूप के बाहर हो जाएगा, राइट। देन रनिंग अ व्हाइल लूप विदाउट अ बॉडी इज पॉसिबल। हम इसको विदाउट बॉडी तो लिख सकते हैं बट विदाउट कंडीशन एक्सप्रेशन हम इसे रन नहीं करा सकते। ओके नेक्स्ट इज वी कैन हैव मोर देन वन कंडीशन एक्सप्रेशन इन व्हाइल लूप। अब कंडीशन एक्सप्रेशन में हम एक से ज्यादा एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ओके व्हाइल लूप के अंदर। नाउ इफ लूप बॉडी कंटेन ओनली वन स्टेटमेंट देन द ब्रेसेस आर ऑप्शनल। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है मतलब स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑप्शनल होते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको लगाना है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है, इसको हमने लोकली डिफाइन कर लिया है यहाँ पे कि हमने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिया है। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि हमने एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया है कि हमने एक इंट ए लिया है और फिर उसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि वैल्यू हमने उसको 10 दी है। ओके दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि पहले हम डेटा टाइप दे दें फिर वेरिएबल डिक्लेयर करें फिर उस वेरिएबल की हम वैल्यू असाइन कर दें। इसके बाद हम व्हाइल लूप लगाते हैं। तो व्हाइल लूप में हमने क्या किया, 10 इज लेस देन 20। ओके अब ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक 10 ए जो है वो 20 से कम है। सो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर आ जाएगा और स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, देन उसमें इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम जो भी चाहे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, देन उसके बाद वो एग्जिट हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू कितनी है, ए की 10। सो ये कंडीशन ट्रू हो रही है देन मतलब ये प्रेस करेगा प्रिंट करेगा। फिर जैसे ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी। तो इसने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए इज 10। देन हमने लगाया है इंक्रीमेंट यहाँ पर, मतलब ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ए की वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाए, तो अब कितना हो जाएगा ये 11।
अब ये वापस से वाइल में चेक करेगा, वाइल लूप के अंदर कंडीशन ट्रू है देन वापस से रन हो जाएगा, रन होके क्या आ गया 11, देन अगेन ये क्या करेगा अब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करते ही यहाँ क्या होगा 2 12। सो अब ये 12 के लिए चेक करेगा कंडीशन ट्रू, 12 को प्रिंट करा देगा, देन अगेन इंक्रीमेंट 13, देन अगेन इंक्रीमेंट, लूप के अंदर ही करता रहेगा ये। फिर यहाँ तक आ गए हम 19 तक, अब इसने 19 तक प्रिंट करा दिया। 19 के बाद जब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई 20, इस लूप के अंदर ये चेक करेगा कंडीशन को, तो यहाँ पे लिखा है ए इज लेस देन 20, तो ये रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गई कंडीशन। तो अब ये इस वाले लूप के अंदर ना आकर के क्या करेगा एग्जिट। ओके देन ये था इसका लूप, वाइल लूप का एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डू वाइल। सो डू वाइल क्या होता है, अनलाइक फॉर लूप एंड वाइल लूप, यहाँ पे जो टेस्ट कंडीशन होती है फॉर और वाइल में वो हम टॉप में लगाते थे, बट डू वाइल में हम क्या करेंगे बॉटम में लगाएंगे। ओके सो इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसे है। हमने डू लिया देन स्टेटमेंट और उसके बाद अपने वाइल कंडीशन। अब यहाँ जो मेजर डिफरेंस आता है वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के अंदर वो ये है कि जब हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं और हमारी कंडीशन ट्रू है तभी वो एग्जीक्यूट कराएगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। देन डू वाइल में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है देन ऑल्सो इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ओके मतलब कि अगर आपने क्या किया, आपने तो डू लिखा देन स्टेटमेंट, अब ये क्या करेगा स्टेटमेंट को रन करा देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा एग्जिट हो जाएगा। ओके तो एटलीस्ट एक बार ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगा ही होगा, एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब अगर इसके बाद ये ट्रू होगा तो ये दोबारा वापस ऊपर जाएगा। फ्लो चार्ट से समझते हैं, हमने क्या किया डू वाइल लगाया है, हम कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन चेक में अगर वो फॉल्स हो जाती है तो एग्जिट होगा फर्स्ट स्टेटमेंट को टाइप करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद। अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये इस लूप को रिपीट करता रहेगा। वर्क कैसे करता है, द बॉडी ऑफ डू वाइल लूप एग्जीक्यूटेड वंस, एक बार तो होगी ही, देन टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएट, उसके बाद हम टेस्ट एक्सप्रेशन जो है उसको इवेल्युएट करेंगे। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड अगेन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये बॉडी क्या होगी दोबारा से रिपीट होगी एंड टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड। अब ये बार बार मतलब रिपीट होता रहेगा। द प्रोसेस इज गोज ऑन अंटिल द टेस्ट बिकम्स फॉल्स, ये प्रोसेस कब तक चलेगा रिपीट होने का, जब तक वो फॉल्स नहीं हो जाता। जब वो फॉल्स हो जाएगा तो लूप हमारा एंड हो जाएगा। लेट सी द अनदर एग्जाम्पल फॉर डू वाइल। अब डू वाइल में हम क्या कर रहे हैं, हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, हमने ए को असाइन कर दी 10 वैल्यू, ठीक है, डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया है, देन हमने डू लगाया, डू के बाद हमने लिखा प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी, देन हमने ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन किया है। यहाँ पे हम ए प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ए प्लस वन भी, मतलब यही है कि हमारा इंक्रीमेंट होगा बाय वन। देन इसके बाद में हमारी वाइल कंडीशन है कि आपकी जो कंडीशन है क्या है ए इज लेस देन 20। अब क्या होगा इसमें कि वो वैल्यू चेक करेगा 10 है, कंडीशन ट्रू रन हो जाएगा। ओके अगेन क्या हो गया 11 हो गया, 11 होने के बाद प्रिंट करेगा ये इसको, देन उसके बाद चेक करेगा 11 ट्रू है, देन 11 भी हमारा क्या हो गया प्रिंट हो गया। अब वो 12 हो गया तो वापस क्या करेगा ये 12 को प्रिंट करा देगा, 12 प्रिंट हो गया, उसके बाद कंडीशन चेक होगी 12 ट्रू है, देन अगेन लूप के अंदर ही आएगा, वापस से क्या होगा लूप के अंदर आ गया तो 13 प्रिंट हो जाएगा, देन उसके बाद चेक होगी कंडीशन, कंडीशन ट्रू है, देन अगेन क्या होगा सॉरी लूप के अंदर आएगा,
देन 14 भी प्रिंट हो गया। अब 14 के बाद क्या हुआ, चेक करी कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू है, देन अगेन लूप के अंदर। सो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, 19 तक। फिर जैसे ही वो 20 होगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद वो एग्जिट हो जाएगा। सो ये एग्जाम्पल था हमारा डू वाइल का। सो दिस इज ऑल अबाउट द लूप्स इन सी। हमने इसमें हम लास्ट लेक्चर में फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने अभी डू वाइल एंड वाइल भी हमने देख लिया। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू।